गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स, मैं सब मीनाक्षी जोशी फ्रॉम गुरुकुल अकेडमी बम्बोरा। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर वन स्टार्ट कर रही हूँ। द सेंटेंस। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है ना, और उसका एक कंप्लीट कोई ना कोई सेंस निकलता है, यानी उस सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता है, तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। There are four types of sentence. अब sentence कितनी तरह के होते हैं? Four types: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. Okay? जो first is assertive sentences. Assertive sentence होते हैं वो two types के होते हैं, positive and negative. अब देखिए assertive sentence क्या? A sentence that make a statement or ascertain is known as assertive sentences. एक सेंटेंस ऐसा है जो कि एक कोई स्टेटमेंट बनाता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन बनाता है, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। पॉजिटिव आपको पता है कौन से होते हैं? दे आर गोइंग टू पार्क, ही हैज़ अ ब्यूटिफुल बाइक। और नेगेटिव कौन से होते हैं? ही डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट। जहाँ नॉट आ जाता है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर टू टाइप्स के हो रहे हैं। टू बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा होते हैं टू बिगिन विद डब्ल्यू एच फैमिली, और दूसरे टाइप के होते हैं जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, यानी व्हाट इज योर नेम, है ना, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो ये ना डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव टू टाइप्स। फर्स्ट हम लेते हैं अ सेंटेंस दैट ask a question is known as interrogative sentence. ऐसे sentence जो कि एक question पूछते हैं उनको हम कहते हैं interrogative sentences. जैसे मैंने आपको जब tense पढ़ाए थे तो मैं interrogative ही बनवा रही थी, यानी कि आप question और उसके आगे हम question mark जरूर से apply करते हैं। तो देखिए to begin with helping verbs. अब helping verbs कैसे start होते हैं? was, is, ये सब हमारा क्या होता है? helping verb होता है। तो wasn't he, he, here are the party, were the students present in the class, है ना। तो ये जो W किससे स्टार्ट हो रहे हैं? WH एच अलग चीज़ है और हेल्पिंग वर्ब अलग चीज़ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इज, एम, कुड, कुड यू नॉट हियर मी, विल शी कम फर्स्ट इन द क्लास, विल इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, माइट ही हेल्प अस, है ना, ये स्टार्ट हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से। अब आ जाते हैं बिगिन विथ डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच से वेयर, डब्ल्यू एच, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो टूडे, वेयर डू यू लीव, है ना, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। हाउ भी डब्ल्यू एच फैमिली में ही आता है, चाहे डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वॉट आर यू डूइंग नाउ डेज, हु इज योर फेवरेट टीचर, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू डेली, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली के कहलाते हैं, हाउ भी उसी में आता है। थर्ड टाइप इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस देखिए, कमांड है, रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, इंटायरिटी और विश है, कोई भी इच्छा है। ये चार तरह के सेंटेंस होते हैं वो इम्परेटिव के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपनी नोटबुक दो, ये रिक्वेस्ट में आ गया। गो टू योर क्लास, अपनी क्लास में जाओ, ये कमांड में आ गया है। फिर अब फोर टाइप्स देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपको पता है एक्सक्लेमेशन क्या चीज़ होती है? जब हमें किसी चीज़ पे आश्चर्य होता है ना, या किसी चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि वेल डन, वाओ, है ना, ये सब एक्सक्लेमेटरी होते हैं, सरप्राइज जहाँ पर होता है। अ सेंटेंस डैट एक्सप्रेस सम स्ट्रांग इमोशंस और सडन फीलिंग्स, या तो अपनी बहुत ही स्ट्रांग, एकदम से अंदर से जो हमारे इमोशंस निकलते, वाओ, है ना, ब्रेवो, ये सब हमारे थे स्ट्रांग इमोशंस। और सडन फीलिंग, सडन अचानक कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? उसके लिए भी होते हैं कि सडन के लिए है अलास, है ना, ये सब आपने क्लास सिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका क्या है, फीलिंग्स होती हैं, इनको शो करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। How well he paints, और exclamation mark के बाद में ये चीज़ जरूर से आती है, एक लाइन, उसके नीचे एक डॉट, इसको बोलते हैं exclamatory mark. What is boring play,
व्हाट अ लवली अपॉर्चुनिटी, हुर्रे, वाओ, वेल डन, है ना, ये सब हम करते हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस होते हैं. नाउ सी द एक्सरसाइज. रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस. अब ये वर्ड उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, इनको आपको तरीके से जमाना है. आपको क्या करना है एक्सरसाइज फर्स्ट में, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस. एक मैं करके बता रही हूँ, बाकी आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगी. हैव द, वी, गेम, हुर्रा, वॉन. अब इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, हुर्रे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन द गेम. अब एक और देखिए, राइट शुड योर आंसर यू क्लियरली, है ना, यू शुड राइट योर आंसर क्लियरली, ये होना चाहिए. वेस्ट डू नॉट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम. तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब पंचुएट करना है, पंचुएशन आपको आते हैं, बिल्कुल मैंने करा रखे हैं आपको पंचुएशन, तो आपको ये पंचुएट करने हैं. फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल, क्वेश्चन मार्क, ओके, देन जहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी लगानी है वहाँ एपोस्ट्रोफी भी लगेगी, फुल स्टॉप भी लगेगा. तो ये होते हैं आपके पंचुएशन, क्वेश्चन मार्क, ये सब पंचुएशन आपको पता है. तो वन एंड टू आप करिएगा. थर्ड, मेक इम्परेटिव सेंटेंसेस ऑफ जंबल वर्ड्स. मेक इम्परेटिव सेंटेंस, कमांड और रिक्वेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जंबल लेटर्स. माइंड योर ओन बिजनेस, उल्टे पुल्टे लिखे हुए, ओन योर माइंड बिजनेस, तो क्या होता है, माइंड योर ओन बिजनेस. नॉट अ नॉइस, मेक डू, डू नॉट मेक अ नॉइज, वही उल्टे पुल्टे उनको जमाने हैं. फिर मेक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेज यूजिंग एक्सप्लेनेशन मार्क. का ब्यूटिफुल, हाउ इज द गर्ल, उल्टे पुल्टे हैं इनको जमाओ और एक्सप्लेनेशन मार्क लगाओ. अ गुड, वॉट आर यू बॉय, फिर अ वॉट चाइल्ड लवली, ठीक है, इजी है आप कर लेंगे. पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में बना, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंट्रोगेटिव. शे विल विजिट अस टुमारो, इसको इंट्रोगेटिव में बनाओ. विल शी विजिट अस टुमारो, है ना, क्वेश्चन मार्क बाहर आ जाएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है या डब्ल्यू एच वर्ड बाहर आते हैं. दे आर नॉट क्लेवर इनफ, aren't they clever enough? All the students have done well. Have all the students done well? Helping verb, helping verb, helping verb. We should not be impatient. Should we not be impatient? We ought to help them. तो ought बार आ जाएगा. Ought we to help them? Help him? है ना, वी डू नॉट नो हर, डू वी नॉट नो हर. तो इस तरीके से आपके इंट्रोगेटिव बनाने हैं. तो ये चैप्टर आपको करना है. फिर देखिए, गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन बिगिनिंग विद द डब्ल्यू एच वर्ड. वेरी गुड क्वेश्चंस. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गिव मी आंसर. यू ऑलरेडी नो हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Where is the Gateway of India located? Gateway of India कहाँ पर है? What is the capital of Himachal Pradesh? मैंने आपको capital सारी learn करवाई थी, तो Himachal Pradesh की capital क्या है? You have to write this. When does celebrate the Children's Day? आपको पता है Children's Day कब celebrate होता है? Which is your favorite cartoon character? आपका favorite cartoon character कौन सा है? How many weeks are there in a week? How many weeks are there in a week? No. हाउ मैनी वीक्स देर इन ईयर आएगा, देर इन मंथ भी कर सकते हैं आप, मंथ लिख दीजिए. ओके, हाउ मैनी वीक्स आर देर इन अ वीक नहीं होगा, क्योंकि एक वीक में कितने वीक होते हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं है. मंथ लिख दीजिए या फिर ईयर भी, ऑब्लिक ईयर कोई भी आप आंसर दे सकते हैं. हाउ मच टाइम मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, कितनी देर आपको दूध पीना चाहिए. हाउ मच टाइम मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, कितनी बार आपको दूध पीना चाहिए दिन में, है ना. तो ये आंसर्स आपको देने हैं, ये खुद ही देंगे आप.
ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव. अबे नेगेटिव में बनाओ, आई गो टू द पार्क एवरी डे. आई, ये मैंने आपको टेंस सिखा दिए तो आप इजीली कर सकते हो. आई डू नॉट गो टू पार्क एवरी डे. द टीचर इज टेकिंग द क्लास. द टीचर इज नॉट टेकिंग द क्लास. आई विल गो टू कनाडा द नेक्स्ट वीक. आई विल नॉट गो टू कनाडा द नेक्स्ट वीक. यू हैव सीन द मॉन्यूमेंट्स ट्वाइस. यू हैव नॉट सीन द दिस मॉन्यूमेंट्स ट्वाइस, है ना. तो नॉट नॉट कहाँ लगाना है. तो ये आपको होमवर्क करना है, इसका पिक आपको मिल जाएगा और सारा होमवर्क आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है और मुझे भेजना है. ओके, थैंक यू सो मच.